नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच खेला जाएगा T20। इस मैच की मेगा लीग की 6 टीम्स मैंने ऑलरेडी बनाई है और दोस्तों यही 6 टीम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आपको करना क्या है। मैं आपको 6 टीम्स प्रोवाइड करूँगा। मैच होगा वो 7 बजे स्टार्ट होगा। आपको 6:30 पर ऑनलाइन रहना होगा। 6:30 पर टॉस हो जाएगा और 6:00 यहाँ पे जो 32 मिनट पर मतलब 2 से 3 मिनट में लाइनअप आ जाएगी। ऐसे में आपको 6:30 पर ऑनलाइन रहना है। मैं आपको 6:45 पे मतलब 15 मिनट पहले जो मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों मेगा लीग की, जब मैं आपको टीम प्रोवाइड करूंगा 6 टीम्स, तो उसमें मैं आपको 90% टीम रेडी करके दूंगा, लेकिन आपको 10% रिस्क लेना होता है। क्योंकि अगर आप 10% रिस्क लेता हो तो इसे हम कहते हैं लक, ठीक है। ये 10% आपका लक होता है। अगर आपकी टीम के कुछ एक प्लेयर या फिर दो प्लेयर आप चेंज करते हो और साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज करते हो तो फिर आपका लक चल सकता है, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपकी टीम चेंज हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको 90% टीम रेडी रखना है, मतलब 90% टीम आपको रेडी करके दूंगा, 10% आपको सिर्फ रिस्क लेना है। और अगर आप 10% भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप फुल जो है वो टीम कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है 6 टीम्स बना सकते हैं और यहाँ पे 6 टीम्स मैंने ऑलरेडी बनाई है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है और साथ ही साथ जो फर्स्ट कमेंट आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और 50,000 रुपये का फ्री गेम आपके रखा है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके दोस्तों विजन 11 पे विन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप मेगा लीग प्ले करें या ग्रैंड लीग प्ले करें या फिर मिनी ग्रैंड लीग प्ले करें, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपकी टीम अच्छी है, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल गई, आप लॉजिक लगाना समझ गए हैं, तो आपकी टीम अच्छी चल सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं मिनी ग्रैंड लीग इसलिए प्ले करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉम्पिटिशन कम होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लोगों में फिर 10,000 लोगों में प्ले करता हूँ। आप चाहे तो मेगा लीग प्ले कर सकते, ग्रैंड लीग प्ले कर सकते। मैं यहाँ पे इस मैच में मिनी ग्रैंड लीग प्ले करने वाला हूँ। और दोस्तों देखा जाए तो फर्स्ट मैच है और अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ यही इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट T20 मैच की इन्फॉर्मेशन है। और जब फर्स्ट T20 मैच हो जाएगा, सेकंड T20 मैच में हमारे पास कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस मैच में कंफ्यूजन जरूर होने वाला है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा। तो टॉस के बाद जो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा और टॉस के बाद मैं आपको टीम जो होगी 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा, वो भी अपडेट करके। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, आपको स्मॉल लीग का वीडियो वॉच करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पिच रिपोर्ट पता होना चाहिए। इस पिच पे जो मैच खेला गया था तो 2016 में जो मैचेस खेले गए थे वो तकरीबन यहाँ पे 4 मैचेस खेले गए थे। उसके बाद 2017 में मैच खेला गया था, उसके बाद 2019 में मैच खेला गया था और 2019 के बाद मैचेस नहीं खेला गया था। और इस पिच के नाम की बात अगर करेंगे तो अरुण जेटली पिच का नाम चेंज किया गया है और जिस पिच का नाम पहले था फिरोज शाह कोटला पिच था। तो ये आपको पिच रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लेयर्स का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे प्लेयर जैसे ईशान किशन है, डेविड मिलर है, कॉन्टेक्ट डिकॉक है, हार्दिक पांड्या, बहुत से ऐसे प्लेयर है जो IPL में खेले थे, तो उन प्लेयर्स का भी रिकॉर्ड मैंने लिखा है, तो आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए। उसके बाद ओपनिंग बैट्समैन आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि मुझे दोस्तों ऐसे लगता है कि यहाँ पे बैट्समैन को भी सपोर्ट मिल सकता है। प्लेयर्स का प्लेस पता होना चाहिए कि कौन किस नंबर पे आ सकता है, टेम्बा बोमा किस नंबर पे आ सकता है, हैंड्रिक्स किस नंबर पे आ सकता है, अल्विंडर डसन किस नंबर पे आ सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दीपक कुड़ा क्या किस नंबर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए, जब हमें टॉस के बाद अगर पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे इस पिच पे जो है बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, तब ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो प्लेयर चारों कंप्लीट करेंगे बॉलर, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। हार्दिक पांड्या चारों कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका भी सवाल मैंने स्मॉल लीग की वीडियो में दिया है। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्मॉल लीग का वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों प्लेयर बैटल की बात करेंगे तो प्लेयर बैटल मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 2 प्लेयर मिस होने वाले दोनों की टीमों की तरफ से। और ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक T20 होने के बाद, फर्स्ट T20 होने के बाद जो सेकंड T20 होगा उसमें जो प्लेयर बैटल होगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो प्लेयर बैटल में मैंने भी यहाँ पे चेक किया है, लेकिन मुझे ऐसे ही प्लेयर मिले जिनको एक बार आउट किया है, 2 बार आउट किया है। और दोस्तों अगर 1 बार आउट किया तो यहाँ पे प्लेयर बैटल नहीं बनता, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर 2 बार आउट किया तो वो प्लेयर बैटल बनता है, लेकिन प्लेयर बैटल मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। ग्रैंड लीग के प्लेयर्स में आपको दिखा देता हूँ दीपक कुड़ा को आपको क्यों ट्राई करना चाहिए। देखिए इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और अगर बैट्समैन को सपोर्ट ना मिले और यहाँ पे बॉलर्स को अगर सपोर्ट मिले, तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है उनके बॉलर भी अच्छे हैं, जैसे कि तरबेश शमसी है, कगिसो रबाडा है, उसके बाद अगर देखा जाए एनरिच नोकिया है, तो ये जो है विकेट निकाल सकते हैं। और अगर इंडिया की टीम के विकेट जाएंगे तो जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे दीपक कुड़ा, ये अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं। अदरवाइज अगर दीपक हुडा की बात करेंगे तो इनको भी प्रमोट किया जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे, ये ओपन करेंगे, आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं स्मॉल लीग में या फिर मेगा लीग में भी। स्मॉल लीग में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मेगा लीग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
रिजा हेंड्रिक्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इनका सिलेक्शन थोड़ा डाउन है। प्रीति रेस की बात करें कि टीम में रख रहे हैं, अक्षर पटेल की बात करें कि वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलता है तो। तरवे शमसी और लुंगी नली को आपको टीम में रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सात प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए। इन सात में से कोई ना कोई एक से लेकर दो प्लेयर भी यहाँ पे ग्रैंड लीग के मिस हो सकते हैं, क्योंकि टॉस के बाद ही हमें कन्फर्म प्लेइंग इलेवन पता चलेगा। दोस्तों बात करेंगे स्कोर कार्ड की, तो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हार्दिक पांडे का स्कोर कार्ड पता चलेगा, दीपक हुडा का पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि ये आईपीएल का ही रिकॉर्ड है, आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल दिया, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ओपनर है। आप किसी टीम में दोनों ही ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, किसी टीम में दोनों ही ओपनर को ड्रॉप कर सकते हो, और आपके पास दोनों ही ओपनर का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे ग्रैंड लीग के लिए, तो ऋतुराज गायकवाड़ है, रिजा हेंड्रिक्स है, हार्दिक पांडे, आवेश खान है, कगिसुर बड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो भी मेगा लीग की छह टीम्स बनाई है, मैं आपको छह टीम्स दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट T20 मैच है। देखिए फर्स्ट टीम की अगर बात करेंगे, तो फर्स्ट टीम में मैंने रिस्क लिया है, जैसे कि रिजा हेंड्रिक्स है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लीग प्लस ये ग्रैंड लीग की टीम है, तो आपको यहाँ पे बता दूँ इस मैच में कोई बड़ा रिस्क नहीं है टीम में। सेकंड टीम की बात करेंगे, तो सेकंड टीम में मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में रखा है, ईशान किशन को लिया है। लेकिन पहली टीम में मैंने क्या किया, बैटिंग सेक्शन से ईशान किशन को, ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके डेविड मिलर को लिया है। तो आपको ये देखते हुए चलना है, आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। देखिए पहले आपको ये देखना कि बैटिंग सेक्शन में मैंने क्या यहाँ पे चेंज किया, पहली टीम में श्रेयस अय्यर को टीम में रखा है, लेकिन सेकंड टीम में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके डेविड मिलर को लिया है। डेविड मिलर को देने का मतलब क्या बनता है कि इंडिया की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन नहीं चलते, तो फिर डेविड मिलर जो है सिक्स नंबर पे या फिर फिफ्थ नंबर पे बैटिंग करने के लिए आके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि आईपीएल के लास्ट दो मैचेस में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब दोस्तों सेकंड फर्स्ट टीम में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रीति रेस को लिया था, क्योंकि मुझे लगता है ये चारों कंप्लीट करेंगे, विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन सेकंड टीम में अगर प्रीति रेस नहीं चलते हैं, तो सेकंड टीम में मार्करम चल सकते हैं, जो कि बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अब फर्स्ट टीम में मैंने क्या किया, देखिए कगिसुर बड़ा, अनरिच नौकिया, अक्षर पटेल और यहाँ पे युजवेंद्र चहल को लिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि आवेश खान को लिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हर्षल पटेल को ड्रॉप करके मैंने आवेश खान को पिक किया है। तो तीन चेंजेस मैंने किए यहाँ पे, एक दो और यहाँ पे देखा जाए तीन चेंजेस। तो आपको हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे थर्ड टीम की, तो आप देख सकते हैं ये टीम जो मैंने बनाई है, ये बॉलर्स के फेवर में टीम बनाई है। अब यहाँ पे टॉस के बाद अगर हमें पता चलता है कि जो पिच है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, मतलब बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, हालांकि मुझे लगता है कि बैटिंग करने का डिसीजन लेना चाहिए, बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, आवेश खान, अक्षर सॉरी हर्षद पटेल, युजवेंद्र चहल, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए, विकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया है, और ऋषभ पंत, ये तीनों हमारे पास बैट्समैन होने वाले हैं। वही अगर सेकंड इनिंग की बात करेंगे, जब इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, तो कगिसुर बड़ा, तरबे शमसी को लेने का मतलब क्या बनता है, एनरिच नोकिया को मैंने ड्रॉप किया है, क्योंकि अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा तो तरबे शमसी विकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिजा हेंड्रिक्स जो कि ओपन करेंगे, और यहाँ पे क्वांटन डिकॉक को ड्रॉप किया, हो सकता है कि यहाँ पे क्वांटन डिकॉक फ्लॉप हो जाए। और रिटेलर्स की बात करेंगे, तो ये चारों कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीनों जो हो गए, ये तीनों इंपॉर्टेंट बॉलर हो गए जो चारों कंप्लीट कर सकते हैं। अब फोर्थ टीम की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्करम को टीम में रखा है, यहाँ पे टेम्बा बोमा को रखा है, लेकिन टेम्बा बोमा का उतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हमें रिस्क लेना इंपॉर्टेंट होगा। कैप्टन क्वांटन डिकॉक, वाइस कैप्टन यहाँ पे हार्दिक पांड्या, यहाँ पे अगर बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर को भी यहाँ पे ड्रॉप किया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क मैंने नहीं लिया, रिस्क जो मैंने सिर्फ एक ही लिया टेम्बा बोमा पे, और बात करेंगे वाइस कैप्टन पे मैंने थोड़ा बहुत रिस्क लिया है दोस्तों। अब बात करेंगे फिफ्थ टीम की, तो यहाँ पे फिर से मैंने बॉलर्स को सपोर्ट किया है, लेकिन अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलता है तो युजवेंद्र चहल विकेट निकाल सकते हैं। तो देखिए युजवेंद्र चहल को मैंने टीम में रखा है, कैप्टन बनाया है, और वाइस कैप्टन कगिसुर बड़ा को बनाने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कगिसुर बड़ा भी यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं। तो ये जो टीम होगी मेरी जो टीम होगी ये हाईली रिस्की टीम होने वाली है। उसके बाद दोस्तों सिक्स टीम की अगर बात करेंगे, जो फाइनल टीम होगी क्वांटन डिकॉक को कैप्टन, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब क्या है, जो कि मैंने यहाँ पे देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया है। अक्षर पटेल अगर बॉलिंग करेंगे तो चार ओवर कंप्लीट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलता है तो युजवेंद्र चहल या फिर अक्षर पटेल, इनमें से कोई बॉलर ऐसा होगा जो दो विकेट जरूर इस मैच में निकाल सकता है। और ये दोस्तों मैंने जो टीम बनाई है वो यहाँ पे इस माइंड को रखते हुए, टीम को मतलब दिमाग में रखते हुए बनाई है कि इंडिया की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन देती है, तो मैंने इन तीन बॉलर को टीम में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बॉलर को सपोर्ट अगर मिलेगा तो ये मेरा चौथा बॉलर होने वाला है, ठीक है। और इंडिया के बॉलर्स को अगर सपोर्ट मिलेगा और हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं करते हैं, तो फिर ये विकेट निकाल सकते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम 140 के अंदर ऑल आउट हो जाती है या फिर 140
स्कोर कर देती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6 विकेट जाते हैं साउथ अफ्रीका के। तो मेरे हिसाब से ये जो बॉलर्स होगी जिनको मेरी टीम में रखा है ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंडिया के भी विकेट जरूर जाएंगे, तो ऐसे भी कगिसो बड़ा विकेट निकाल सकते हैं। मार्करम की बात करेंगे, इनके जगह पर पेट्रेस आप टीम में ट्राई कर सकते, हो सकता है कि मार्करम भी अच्छा स्कोर करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए ऋषभ पंत हैं, श्रेयस या ईशान किशन को मैंने टीम में रखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी 6 टीम होगी, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 5th टीम होगी, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, सभी टीम मिलेगी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही साथ जो फर्स्ट कमेंट आपको मिलेगा, कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, कमेंट सेक्शन ओपन करने के बाद जो फर्स्ट कमेंट आपको मिलेगा जो कि पिन किया हो, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपये का जो फ्री गिवअवे रखा है आपको इजीली पार्टिसिपेट करके यहाँ पे विन कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा रिस्क नहीं होता है, आपको फ्री गिवअवे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे तो चाहे तो टीम लगा सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।